Hello students, welcome back. This is CA Saurabh Singh Baghel and we are back with another video. In this video, we are going to discuss about the features of leadership as well as the leadership styles. Yani ki, what are the characteristics of leadership as well as the leadership styles. अब मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हम leadership के बारे में देख चुके हैं. Leadership is a ability to influence the behavior of others so that the organizational objectives can be achieved. मतलब leadership एक ऐसी ability है दूसरे को influence करने की. इसमें हम inspire नहीं करेंगे, इसमें हम influence कर देंगे कि वो person इस तरीके से behave करे, उसका behavior ऐसा हो कि उसके हमारे organizational objective achieve हो जाए. तो characteristics क्या है, फीचरशिप. फीचर की बात करें तो ability to influence other, दूसरे को influence करना. inspire और influence में difference होता है. inspire हम जोश भर रहे हैं और influence में हमने उसको उस काम को करने के लिए तैयार कर दिया है, प्रभावित कर दिया है, इस तरीके के वो सोचेगा नहीं, अपना दिमाग लगाने का काम नहीं करेगा. दूसरा, aims to bring change in the behavior of the other. हम इस तरह से influence करेंगे ना कि उसका behavior change हो जाएगा और ऐसा change होगा कि वो organizational objectives को accomplish करने में मदद करेगा. उसके बाद interpersonal relations between leader and follower. देखिए, leadership में जो नेता होता है उसको leader कहते हैं. मतलब leadership में जिसके पास leadership ability होती है वो बनता है leader और बाकी बनते हैं follower. उनको कह सकते हैं हम भक्त, नेता. और अब लीडर इन्फ्लुएंस करता है और फॉलोअर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है, लीडर और फॉलोअर का कंसेप्ट. इसीलिए लोग कई बार पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं और कई बार नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. फिर लोग दंगा करने लगते हैं, फिर लोग मारपीट करते हैं. तो इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है. अगर तो ये इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल मतलब जो रिश्ता होगा लीडर और फॉलोअर्स के बीच में. अगर फॉलोअर्स लीडर की बात को बहुत सुनते हैं तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, अगर फॉलोअर लीडर की बात को कम सुनते हैं तो कम इन्फ्लुएंशियल होगा. उसके बाद लीडरशिप का एम क्या होगा, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट कोई भी काम करेगा आप जानते हैं, वो इसीलिए करेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं. और उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा. एक जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है तब तक सारी मैनेजमेंट के प्रोसेस चलते रहेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ द लीडरशिप. अब हम देखते हैं कि लीडरशिप यानी नेतागिरी किस तरीके से की जा सकती है, नेतागिरी करने के तरीके क्या हैं. देखें, लीडर बहुत होते हैं लेकिन उनका लीडर लीड करने का यानी लीडरशिप का स्टाइल अलग अलग होता है. तो बेसिकली तीन तरह के लीडर होते हैं, तीन तरह की लीडरशिप स्टाइल होती हैं. पहला है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप मतलब हमने जो कह दिया वो फॉलो करो, कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा. इसमें क्या है, सारे डिसीजंस कौन लेगा, लीडर लेगा. सारा कंट्रोल किसके पास होगा, लीडर के पास होगा. सब ऑर्डिनेट यस सर बोलेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे. इसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसको आप कह सकते हैं तानाशाही. हमने जो कह दिया, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद फिर अपने आप की भी नहीं सुनते, ऑटोक्रेटिक लीडर्स. उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे लोगों को अपने ओपिनियन देने का मौका दिया जाता है, सारे लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाला क्या बोलेगा कि आओ और मैं एक डिसीजन लेना चाहता हूं, उसमें अपने सजेशंस दो ताकि बेहतर डिसीजन लिया जा सके. ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में हमने डिसीजन लिया था और बोला था कि इसको फॉलो करो विदाउट एनी डेविएशन, कोई गलती होनी नहीं चाहिए. डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में हमने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया कि हम एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपने सजेशंस दीजिए, आप अपने ओपिनियंस दीजिए जिससे हम डिसीजन ले सकें. तो ये लीडरशिप स्टाइल. अब इसमें सभी को अपने अपने सजेशंस देने का राइट होगा, तो ये क्या है, पार्टिसिपेशन सबका मिलेगा, तो इसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. लेसेस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप. लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है,
विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स, मतलब जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे लेसेज फेरे स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें लीडर जो होता है ना, वो अपने सबऑर्डिनेट को बुलाता है और बोलता है बेटा तू अपने हिसाब से काम कर, तू अपने हिसाब से टारगेट सेट कर, अपने हिसाब से काम कर। अब इसमें तो बेसिकली सारी अथॉरिटी, सारी डेलीगेशन कहां कर दिया जाता है, अपने सबऑर्डिनेट को। ये तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में हम क्या मांग रहे थे, उनके सजेशन मांग रहे थे, यहां तो उनको अथॉरिटी ही दे दी हमने कि जाओ तुम्हारे काम पे कोई इंटरफेरेंस करने वाला नहीं है। तो ये कौन सा लीडरशिप हुआ, लेसेज फेरे स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब एक बात समझिए, जब ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कई बार जरूरी होता है, जैसे अपने प्यून से काम कराना है तो उसको बोलना है कि ये काम कर, तो उसको बोलना पड़ेगा नहीं तुमको ये काम करना है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना करने के लिए बोला जाए उतना करना है। डेमोक्रेटिक, जहां पर थोड़े स्किल्ड लोग हों वहां पर उनकी सजेशन ली जाए। और लेसेज फेरी लीडरशिप में जहां पर लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, उनको ये बोला जा सकता है। जैसे आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी कहती है ये करना पड़ेगा, ये होमवर्क करना पड़ेगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक, जब आप बड़े होने लगते हैं तो आपके घर में ओपिनियंस मांगे जाते हैं, वो क्या है, डेमोक्रेटिक। और जब आप और बड़े हो जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए, अपने फैमिली के बारे में खुद सोचिए, तो हो जाता है वो लेसेज फेरे स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ लीडरशिप एज वेल एज लीडरशिप स्टाइल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, भैया चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।